हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एम अकाउंटिंग यानी कि मास्टर ऑफ अकाउंटिंग के कोर्सेज की लिस्ट। ये प्रोग्राम 2 ईयर का है और इसके अंदर 4 सेमेस्टर हैं। आपके सामने पहले सेमेस्टर के कोर्सेज की लिस्ट है और इसके अंदर जो पहला कोर्स है वो है CS 101 का यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। उसके बाद है ECO 401 यानी कि इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों शामिल हैं। देन दी ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके अंदर रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन बोथ आर इंक्लूडेड। देन दी MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि पहला कोर्स है और बेसिक कोर्स है अकाउंटिंग का। देन दी MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो कि बिजनेस का बेसिक कोर्स है। देन दी VU 001 यानी इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इसलिए स्टूडेंट्स को ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। देन दी सेमेस्टर नंबर 2 जिसके अंदर है ACC 501 यानी कि बिजनेस फाइनेंस, और ये बिजनेस फाइनेंस का बेसिक कोर्स है। देन दी IT 430 ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। उसके बाद है MGT 401 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, और ये दूसरा कोर्स है, इसके अंदर अकाउंट स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। देन दी MGT 402 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन दी MTH 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी थोड़ा बेसिक लेवल का कोर्स है। देन दी सेमेस्टर नंबर 3 इसके अंदर है ACC 311 फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की बेसिक्स। देन दी CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये कोर्स थोड़ा कंप्यूटर साइंस की तरह का है लेकिन ये है असल में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, IT से रिलेटेड एक्चुअली है। देन दी FIN 621 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन दी FIN 623 टैक्सेशन मैनेजमेंट। देन दी MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप। देन दी MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ, ये लॉ का कोर्स है। उसके बाद है सेमेस्टर नंबर 4 जिसके अंदर है FIN 611 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये थोड़ा एडवांस कोर्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। देन दी MGT 404 मैनेजेरियल अकाउंटिंग जो कि अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। देन दी MGT 411 मनी एंड बैंकिंग। देन दी MGT 601 SME मैनेजमेंट, और उसके बाद है MGT 605 एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके बाद है STA 630 यानी रिसर्च मेथड्स। ये कोर्स थोड़ा एडवांस लेवल का कोर्स है स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, थ्योरीज है। स्टूडेंट्स को रिसर्च के लिए तैयार किया जाएगा ताकि MPhil और PhD में उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मज़ीद जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।